तो हे गाइस, कैसे आप सब लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है दीप और आप देख रहे हैं डीप टेक नॉलेज। तो आज लेके आया गया हूँ, थंबनेल देख के तो समझ में आ गया कि आपके पास लेके आ गया हूँ दूसरा एक जो डाइकिन का इंस्टॉलेशन वीडियो है वो होने वाला है। तो पहले इसको थोड़ा अनबॉक्सिंग भाई लोगों ने पहले ही कर दिया था जो टेक्नीशियन दादा लोग हैं, लेकिन इसको मैं फिर से दिखा देता हूँ क्या क्या आइटम यहाँ से आपको मिलेगा, क्या क्या आपको खरीदना पड़ेगा इंस्टॉलेशन के टाइम में। तो वो चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, साथ ही साथ देखते हैं क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा किसी भी इंस्टॉलेशन से पहले। तो चलिए एक बार चीज़ों को अनबॉक्स जो ऑलरेडी हो चुका है उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। तो आप जो ये मॉडल नंबर देख पा रहे हैं, देखिए ये है RKM50UV16VA मॉडल। ये एक 1.5 टन का एसी है, जो एक 5 स्टार वाला एसी है, ठीक है। अगर इसका प्राइस मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये आउटडोर वाला यूनिट है, ठीक है। देखिए ये स्प्लिट एसी, गैस पाइप है इसके अंदर, लिक्विड पाइप है एक, 4 कोर वायर है जो आपका डायरेक्ट जाता है इंडोर से आउटडोर वाला, और एक 6 पीस इसमें टाई पाइप होता है, टाई रैप जो होता है ना दादा, ठीक है, टाई बेल्ट हो जाता है। और इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट भी आप देख सकते हैं फरवरी 2024 का, एकदम करंट मॉडल है, ठीक है। तो इसके बारे में भी देखते हैं। और इसका वजन जो लगभग आप देख पा रहे हैं 39.5 kgs, ये आउटडोर वाला मॉडल है। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये इंडोर यूनिट वाला है, हालांकि भाई दादा ने ये लोग खोल दिए है, टेक्नीशियन दादा लोग ने। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये भी सेम मॉडल का है, MTKM50UV16VA। जब कभी भी आप लोगों के पास ऑनलाइन या ऑफलाइन से आप लोग परचेस कर रहे हैं, अगर आप लोगों का ये दोनों मॉडल नंबर आप लोग एक बार चेक कीजिएगा, इंडोर और आउटडोर का दोनों मॉडल सेम होना चाहिए। अगर दोनों मॉडल सेम ना हो तो आपके पास गलत प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है, तो वो चीज़ चेक कर लीजिएगा। और इसके अंदर भी लिखा हुआ है क्या क्या चीज़ है। देखिए स्प्लिट एसी इंडोर वाला यूनिट एक है, साथ ही साथ एक रिमोट कंट्रोलर है जो ऑलरेडी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आपको ये देखिए रिमोट कंट्रोल भी आया है इसके साथ, और साथ ही साथ आपका एक माउंटिंग प्लेट आया है जो ऊपर में ऑलरेडी लगा हुआ है, आप देख पा रहे कि नहीं। दादा लोगों ने फिट करना स्टार्ट कर दिया था, अभी आधा अधूरा काम में मैंने रुका के ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और साथ ही साथ आपके यहाँ पे देखते रहे एक्सेसरीज़ में फ़िल्टर है दो, मैं वो आपको दिखा दूंगा, और फिक्सिंग ब्रश स्क्रू 9 है। तो लगभग जो भी फिटिंग करने का जो भी सामान आता है लगभग डाइकिन सब कुछ ही दे देता है, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत कुछ खरीदना पड़ता है, पहले तो क्या खरीदना पड़ता है मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर ज़रूरत पड़े तो ये वाला देखिए जो वेयर होता है केबल खरीदना ही आपको पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात, ये 3.5 वाला टॉप जो हम लोग बोलते हैं, ये 16 एम्पियर वाला है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये 240 वोल्ट तक ये कंज्यूम कर लेता है, तो ये वाला आपको एक खरीदना पड़ेगा, ठीक है। और मैं बहुत बार आप लोगों को एक चीज़ बोला हूँ, अगर एसी खरीदना है, ये स्प्लिट एसी हो, मतलब इन्वर्टर वाला एसी हो, नॉन इन्वर्टर वाला एसी हो, आपको एक चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना पड़ता है, वो है एक स्टेबिलाइजर का। ऑलरेडी परचेस किया हुआ है, ठीक है, इसका अनबॉक्सिंग में भी हो चुका है, नहीं तो मैं ही दिखा देता हूँ। ये सेम मॉडल है कैंडेज वाला, जो इससे पहले का वीडियो में आप लोग देख चुके हैं, वो ये 4 KB वाला मॉडल है। आप लोग चाहे तो इसको जब मैं अनबॉक्सिंग करके लगाऊंगा तब मैं इसको दिखा दूंगा, क्या क्या डायमेंशन होने वाला है, क्या क्या कितना जगह आपको आपके घर के लिए चाहिए वो मैं दिखा देता हूँ। ये हालांकि मेरा भाई का घर है, ठीक है। ये लगभग कितना साइज़ होगा इसका, 15 नहीं होगा, ये 12 होगा। तो लगभग ये 120 स्क्वायर फीट का आपका ये वाला रूम है, लेकिन मैंने ये वाला रिकमेंडेशन, मेरा भाई ने मुझसे पूछा था कौन सा वाला एसी लेने के लिए अच्छा होगा, ये मेरा भाई है, हालांकि ये खुद एक यूट्यूबर है, ठीक है। तो इसने मेरे को पूछा था कौन सा वाला एसी लेने से बढ़िया रहेगा, तो मैंने बोला था 1.5 टन वाला डाइकिन वाला ही लेने के लिए। हालांकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दूँ, मेरा कोई भी वीडियो स्पॉन्सर वीडियो नहीं होता है, ठीक है। तो क्योंकि इसका ये वाला जो रूम आप लोग देख पा रहे हैं, ये पूरा रूम देख लीजिए, 120 स्क्वायर फीट का होगा, ठीक है, हाँ। और साथ ही साथ इसका जो लिविंग एरिया है ना, आप लोग देख पा रहे हैं ये वाला जो लिविंग एरिया है, ये लगभग होगा 200 के आसपास, ठीक है, उससे बड़ा नहीं होगा। तो ये दोनों को मिला के ये एक ही एसी कंट्रोल कर लेगा, तो इसीलिए मैंने बोला था कि ये वाला एसी लो तो तुम्हारे लिए बढ़िया चीज़ रहेगा। तो चलिए धीरे धीरे अनबॉक्सिंग देखते हैं क्या क्या चीज़ है अवेलेबल, एक बार आपको इंडोर यूनिट में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है वो आप लोगों को दिखा देते हैं पहले। तो देखिए ये वाला इंडोर वाला यूनिट है, तो इंडोर वाला यूनिट में मैंने जैसे बोला आपको क्या क्या मिलता है, ये देखिए स्क्रू मिलता है 9 स्क्रू मिलता है,
और ये 2.5 PM फिल्टर है जो लगेगा इसके अंदर में, जो फिल्टर लगा होता है, जो जाली होता है वहाँ पे। और ये डाइकिन का एसी है, सॉरी डाइकिन एसी का रिमोट है। इसका फंक्शन मैं आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मैं आपको बता दूंगा क्या क्या फंक्शन होता है, क्योंकि डाइकिन का मेन जो चीज़ होता है वो उसका फंक्शन में है। और डाइकिन इसीलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि इंडिया का नंबर वन ब्रांड है अभी, और इसका आफ्टर सेल सर्विस एकदम अमेजिंग है। और सबसे बड़ा, सब लोग जो पूछते हैं इसका स्टार रेटिंग क्या क्या है क्या क्या नहीं है, देखिए आप पहले देख लीजिए इसको। ये 5-star वाला मॉडल है, इजर का 5.2, मतलब डाइकिन का कोई भी चीज़ अगर आप लीजिएगा, मेरा वाला 2.2 वाला एसी भी आप लोग देखे थे, 4.5 के ऊपर उसका 4 था, लेकिन 4.5 के ऊपर उसका रेटिंग था। ये 5.2 वाला है, इसका जो मॉडल नंबर है देखिए सेम टू सेम मैच कर रहा है। और इसका जो मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी ये 5.2 है, और इसका जो मिनिमम कूलिंग कैपेसिटी 50% में चलने वाला वो 2.6 है। और ये अगर पूरा साल भर भी आप चलाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन होगा 785 यूनिट पर ईयर। तो लगभग आप इसको डिवाइडेड बाई 12 कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैं हर बार बताता हूँ कि डाइकिन एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट है और पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट है। हाँ, खरीदने के टाइम में आपको थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन ये आपका पॉकेट फ्रेंडली। और मैंने देखिए, मैंने जब अपना वीडियो के टाइम में मैंने बोला था डाइकिन का 1.5 के ऊपर से डिस्प्ले नहीं मिलता, ये 1.5 टन वाला है। देखिए यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच दिया हुआ है, यहाँ पे टाइम जो आप टाइमर सेट करेंगे तो उसका स्लीप मोड का इंडिकेटर दिया हुआ है, और यहाँ पे जो कलर ब्रीफ होता है उसका, और यहाँ पे हर इस डिस्प्ले पे आपको एरर कोड पकड़ लीजिए, आपका टेम्परेचर पकड़ लीजिए, आपका सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये सबसे मेन चीज़ है, अगर आपका पास जो भी मैकेनिक आ रहा है उनको बोलिएगा, एक दादा एक बार साइज़ दिखा दीजिए इसका। हाँ। लगभग ये कितना, 2 इंच का होगा, 65। ये 65 साइज़ का, 65 mm का ड्रिल बिट है, ये राउंड बिट है, तो दादा लोग वहीं पे ड्रिल करेंगे अभी। देखिए ये वाला परफेक्ट होल हो चुका है, ठीक है, पूरा राउंड शेप में। देखिए आप लोगों को एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, ये वाला दो जो कॉपर पाइप है ये इनलेट से निकलता है, इनलेट से भी ये वाला कॉपर पाइप में ही आपका जाएगा। ये वाला डिस्चार्ज वाला है, ये वाला सक्शन वाला है ना दादा, मोटा वाला सक्शन वाला होता है, ये वाला डिस्चार्ज वाला होता है। और ये तो आपका, आप लोगों को पता ही होगा, ये जो वाटर फ्लो बाहर में डालने के लिए होता है एग्जॉस्ट वाला, वो वाला यहाँ पे दिया जाता है। लेकिन ये वाला कभी भी आप जो जोड़े, जब आपका टेक्नीशियन इसको जोड़े, तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ से कुछ भी लीक ना हो। अगर यहाँ पे लीकेज का प्रॉब्लम आएगा तो आप इसका जो एसी होगा वो सही से कूल नहीं करेगा, आपका चिल नहीं करेगा, टाइम ज़्यादा लेगा। आप लोग ये सोचेंगे कि मशीन में ख़राबी है, लेकिन मशीन में हर टाइम में ना कुछ भी लगाने से पहले आपको ये चीज़ भी देखना पड़ता है, क्या क्या फ़ायदा होता है, क्या क्या बेनिफिट होता है, किस तरह से आप उसको मेंटेन कर पाएंगे। देखिए इसको दादा सीधा करके, अभी इसको बेंड पाइप को सीधा करेंगे इसको। इसके पहले का भी वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था, देखिए ये जो रैपिंग होता है, ठीक है, ये होता है इंसुलेशन रैपिंग, ठीक है, ये वाटर प्रूफ होता है, हीट प्रूफ होता है, टोटली सब प्रूफ होता है। मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बताता हूँ कि देखिए, अगर आपका टेक्नीशियन कभी भी डबल रैप लगाना नहीं चाहेंगे, लेकिन आप उन लोगों को रिक्वेस्ट कीजिएगा कि आप डबल रैप लगाइए, कभी कभी आप लोग उसका चार्ज लेकिन ये दादा लोग तो सजेस्ट करते हैं, बहुत सारे टेक्नीशियन, अपने अपने हिसाब से बहुत सारे लोग करते नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को, सभी लोगों को बोलूँगा कि कभी भी करवाइए तो डबल रैप करवाइए। डबल रैप करने से आपको ये फ़ायदा होता, देखिए आपका ये लॉन्ग लास्टिंग ज़्यादा चलेगा, क्योंकि ये आउटडोर में रहता है, धूप बोलिए, पानी बोलिए, सर्दी बोलिए, सब इसके ऊपर से ही गुजरता है, ठीक है, क्योंकि इन लोगों के लिए कुछ कवर नहीं होता है। तो ये अगर डबल रैप करेंगे तो आपका जो ये वाला फोम है और इसका जो एग्जॉस्ट वाला भी पाइप होता है, ये और भी लंबा जाता है, मैं आपको दिखाऊंगा, उसका टोटल प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। मैं अनरैप कर दे रहा, देखिए भैया ने अनरैप कर रहे हैं, ये ऑलरेडी लगा हुआ आता है। देखिए ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये है आपका फ़िल्टर जिसमें लगेगा, ये बैक साइड में आपका पीएम फिल्टर लगेगा यहाँ पे, ठीक है, ये दो दो फिल्टर आता है, सभी मेस में आता है, लेकिन डाइकिन का जो है उसका एक्स्ट्रा एक चीज़ आता है, जो पीएम फिल्टर मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये देखिए ये दो पीएम फिल्टर है, ये अभी
मेरा वाला जो मॉडल था उसमें जाली में लगता था, इसमें तो अभी डायरेक्टली यहाँ पे बॉडी पे ही लग जाता है। तो आपको ये सुविधा, आप लोग एक काम कीजिएगा, हर एक दो महीने में अगर चल रहा है तो इसको लेके इसको और उस जाली को अगर साफ़ सुथरा रखेंगे तो आपका एसी का ठंडक ज़्यादा दिन तक देगा। देखिए आप लोग एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, ये जैसे आउटडोर वाला मैंने यूनिट का दिखाया था क्या कितना इसका वज़न है क्या नहीं है। देखिए इसका डायमेंशन है 88.5 × 22.9 × 29 और ये 10.5 kg वाला वज़न है। ये स्कैन करके आप वारंटी का डाउनलोड कर सकते हैं मैंने, और इसका इंस्टॉलेशन और मैनुअल अभी नहीं आता है, आता है तो विदाउट पेपर वाला भी लोग कर दिया, तो इसको यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया जो ये जो आपका सर्किट है, सर्किट को कैसे लगाए इसके लिए भी यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। मैं एक बार दिखा देना चाहता, एक बार हाथ हटाइएगा। देखिए इसका जो पूरा फंक्शन है, किस तरह से आप ले पाएँ, क्या क्या लगाएंगे, क्या क्या आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये ऑलरेडी डाइकिन के ऊपर में मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पे मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये टोटल 4 तार आता है। दादा एक बार बता दीजिए कौन सा किस चीज़ के लिए है। ये फेज है ब्लू, ये फेज है रेड वाला फेज है, ये वाला, ये वाला न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, ये वाला स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग है, और ये अर्थिंग है, ये अर्थिंग है, ये वाला देखिए ये अर्थिंग है, ये स्टार्टिंग है, ये न्यूट्रल है, ये एक नंबर वाला फेज है। तो रेड में रेड जाएगा इसमें, ब्लू जाएगा उसके बाद में। दादा एक बार लगा के दिखा देता है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, उसमें जा रहा है रेड एक नंबर में। अगर ये कनेक्शन देखिए, कोई भी जो लोग डाइकिन से डायरेक्ट आते हैं वो लोगों को, सब लोगों को मालूम ही होता है किस तरह से इंस्टॉल होगा नहीं होगा, लेकिन अगर गलती से ये वाला कनेक्शन गलत हो जाए तो आपका कंप्रेसर उल्टा घूमना स्टार्ट कर देगा, तो आपका ठंडा नहीं होगा, उल्टा ठंडा बाहर छोड़ देगा, ठीक है। तो और आपका एसी ख़राब होने का चांस बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पे लग चुका है, जैसे बोला गया था उस सीरियल वाइज लग चुका है, और ये क्लिप लगा के रखना पड़ता है क्योंकि तो आपका जो तार है वो बाहर ना निकल जाए। देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ सिर्फ दिखा देता हूँ, जो मैंने ऑलरेडी जो कनेक्शन आपको दिखाया है ये वाला डाइकिन से प्रोवाइड होता है, ये वाला वायर डाइकिन से प्रोवाइड होता है, लेकिन आपको और एक वायर खरीदना ही पड़ता है। बहुत सारे लोगों ने मेरा पहला वीडियो में बोला था कि नहीं, हमको आके बोल रहे कि उन लोग वायर खरीदना पड़ता है, ये वाला जो वायर होता है ये आपको ख़रीदना पड़ता है। लगभग यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं ये यहाँ पे 15 फुट का वायर है, लगभग 5 मीटर का, वो बाहर में आप मैं जाके आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन जो ये 3 मीटर वाला जो देता है ये डाइकिन से देता है, डाइकिन से दूसरा वो वाला तार नहीं देता है आप लोगों को, ठीक है। ये मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देता हूँ, मैंने जैसे बोला था 4KB वाला कैंडिस का, अगर आप लोगों का हो सके तो रिव्यू लेके आऊँगा, तो गुड लक फॉर दैट कि ये वाला कैंडिस का 4KB वाला ही मॉडल है, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये 4KB वाला मॉडल है। इसमें क्या क्या फीचर्स दिया होता है ये देख लीजिए आप लोग। देखिए ये 1.5 टन एसी के लिए भी एकदम अप टू है, ठीक है। ये 130 वोल्ट से 185 वोल्ट तक ये देता है, और ये 4KB वाला है, ठीक है। यहाँ से ये लगता है, और जैसे मैंने बोला था, देखिए इतना साइज का ये इसका जो अंदर का जो ट्रांसफार्मर है, टोरॉयड ट्रांसफार्मर, इतना बड़ा साइज़ का होता है, और इसका लगभग वज़न है आपका 10.5 किलो के आसपास, ठीक है। और इसके हैंग करने के लिए आपको ये वाला 2 होल करना पड़ेगा, अगर 5KB वाला होता है तो उसमें यहाँ ऐसे बकेट दिया जाता है, बकेट में हैंग होता है। देखिए दोस्तों, मैं जैसे आप लोगों को बोल रहा था कि डाइकिन से ही पाइप दिया जाता है, ये वाला जो पाइप आप देख रहे हैं ये वाला ही वो कॉपर पाइप है 3 मीटर वाला, ठीक है। ये दिया जाता है, ये वाला है आपका डिस्चार्ज के लिए, सॉरी ये वाला है सक्शन के लिए, मोटा वाला जो पाइप आप देखेंगे, और ये पतला वाला है आपका सक्शन के लिए, ठीक है। ये सक्शन पाइप होता है, और साथ ही साथ इसमें ये स्ट्रिप भी दिया जाता है, जिप स्ट्रिप जिसको बोलते हैं, इसमें ये सब लोगों को इस सबको टाइट करने के लिए दिया जाता है। तो चलिए सबको फिटिंग कैसे करते हैं मैं एक बार दिखाता हूँ आप लोगों को। अभी जो देख पा रहे हैं थोड़ा आउटसाइड का नॉइज़ अगर आ रहा होगा तो माफ़ कर दीजिए, क्योंकि हम लोग छत पे हैं। तो ये वाला इसका आप लोग देख पा रहे हैं कि इसका डायमेंशन कितना है, ठीक है। ये आउटडोर यूनिट है, और मैं जैसे हर बार बोलता हूँ डाइकिन का स्पेशल जो चीज़ है ब्लूफिन टेक्नोलॉजी, ये देखिए हर एक फिन में ये ब्लूफिन किया हुआ है। इसके लिए क्या होता है, आपका जो रस्ट है,
ठीक है, क्योंकि ये आउटडोर वाला यूनिट है तो ये ड्यूरेबल रहता है, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल रहता है। और इसका फ़ैन का साइज भी आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए, ये सबसे मेन चीज़ है जो जहाँ पे स्टैंड है जो एसी का आउटडोर वाला, ये आपको देख के लेना पड़ेगा। हाँ, मेरा पहला वाला वीडियो आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि मेरे साथ एक कांड हो गया था कि मेरा दोनों ही राइट साइड वाला हो गया आ गया था, लेकिन ये सही है, एक राइट है एक लेफ्ट वाला है। और साथ ही साथ आपको ये वाला स्क्रूज़ भी मिलता है जो आपको पूरा हैंग करने के लिए मदद करेगा। देखिए यहाँ पे टोटल 4 क्रू होगा, ये वाला 4 है, सॉरी यहाँ पे 6 है, और ये छोटा वाला स्क्रू जो बॉडी के साथ जो टाइट होगा, ये नीचे वाला पोर्शन जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये है आपका एग्जॉस्ट जो वाटर पाइप होता है, ये वाटर पाइप है, ये आपके इस हिसाब से लगेगा कितना ही आपका जो साइज है, जहाँ पे जैसे मेरे यहाँ पे मेरे भाई के यहाँ पे इस जगह पे आपका लग रहा है, नीचे तक जाने के लिए लगभग ज़्यादा नहीं 7-8 फुट का ज़रूरत पड़ेगा, तो उतना लगाना पड़ता है। देखिए आप लोगों को नीचे तक दिखा नहीं पा रहा हूँ, मैं नीचे जा नहीं पा रहा, जगह बहुत कम है। ये जो जो बकेट फिटिंग हो रहा है इसमें लगाने के टाइम में आपको दो चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो दोनों का गैप है वो सेम यहाँ का जो गैप है उस हिसाब से सही होना चाहिए। जो लोग एक्सपीरियंस वाले हैं टेक्नीशियन उन लोगों को तो मालूम होता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो नया नया काम शुरू कर रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा नाप लेने के लिए थोड़ा तकलीफ़ होता है। और ये जो हैंगिंग आप देख पा रहे हैं जो दोनों ये जो साइड से निकला हुआ है, ये दोनों देख पा रहे हैं कि नहीं, ये वाला और ये वाला, ये जब इस हैंग करने के लिए आप देखेंगे तो इसका वाटर लेवल एकदम सही होना चाहिए, ठीक है, 90 डिग्री में होना चाहिए, नहीं तो आपका जब एसी बैठेगा तो ये ऐसे टिल्ट हो जाएगा। अगर टिल्ट हो जाएगा तो इसका जो वाटर एग्जॉस्ट होता है, जो मॉइस्चर जमता है, वो सही से निकल नहीं पाएगा। और सबसे बढ़िया चीज़ आज मैंने और एक चीज़ नोटिस किया जो पहले का डाइकिन में नहीं दिया होता था, अभी पहले यहाँ पे ये भी एग्जॉस्ट वाला एक दिया हुआ है, इसका माध्यम से क्या होता है, देखिए ये तो पीसीबी का ट्रिप वाला होता है जो वाटर से रजिस्टर्ड करता है, और एक्स्ट्रा अगर मॉइस्चर भी होगा तो भी यहाँ पे ये निकल जाता है, देखिए आप ये देख पाएंगे, इसके माध्यम से क्या होता है तो आपका शॉर्ट होने का चांसेस नहीं रहता है। और मैं जैसे आप लोगों को बोल रहा था, एग्जॉस्ट और जो सक्शन होता है, ये वाला सक्शन वाला है और ये वाला जो इनलेट वाला होता है, यहाँ पे देख पाएंगे आप। सबसे ये चीज़ अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी कोई आपका ये वाला पाइप, दोनों पाइप जब एडजस्ट हो रहा है, उसमें जो बहुत सारे टेक्नीशियन क्या करते हैं, काट देते हैं, उसको काटने को मना कीजिएगा, इसको इस तरह से बेंड करके रखने के लिए बोलिएगा कि अगर सही से बेंड नहीं होगा तो आपका जो गैस का सर्कुलेशन है वो सही से नहीं हो पाएगा, तो आपको ये प्रॉब्लम होगा कि इन फ्यूचर में आपका कूलिंग अच्छा से नहीं होगा एसी का, तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। और मैं आपको जो डबल रैपिंग का बात बोल रहा था, देखिए अभी ये सिंगल रैपिंग हो रहा है, ठीक, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो बेंडिंग चल रहा है, बेंडिंग से पहले यहाँ पे देखिए एक पाइप घुसा हुआ है अंदर में, इसको बेंडिंग पाइप बोलते हैं ये वाला चीज़, तो आपको ये सुविधा हो जाती है कि जब ये पाइप को बेंड कर रहे हैं तो अंदर से किसी भी जगह मूँच आने का कोई चांसेस नहीं रहता है, अगर बेंडिंग पाइप अंदर से घुसा के ये चीज़ कर रहे हैं तो। इस जगह को मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, देखिए इस तरह से लगता है, और ये सब प्रॉब्लम धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट वाला काम अभी हो रहा है, ठीक है, ये वाला जो देख पा रहे हैं ये वैक्यूम मशीन है, ये वाला जो देख पा रहे हैं ये वैक्यूम वाला वैक्यूम होगा, ये वैक्यूम होता है, ठीक है, ये वाला जो आप देख पा रहे हैं ये गेज मीटर है, इसमें ये चेक किया जाएगा कि कितना गैस यहाँ पे आ रहा है, सही से गैस का फ्लो हो रहा है कि नहीं, और ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा दादा एक चीज़ बोलिए, अगर कोई जो टेक्नीशियन लोग है, ये जो आप जैसे वैक्यूम चेक कर रहे हैं, अगर चेक ना करें तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है? वैक्यूम करने से जो एसी का चिलनेस बढ़ जाता है, और गैस जो पूरा पाइप के अंदर गैस ही रहता है, कोई हवा नहीं रहता है, सिर्फ गैस ही सर्कुलेट करता है, तो मतलब इसका लाइफ भी हिसाब से बढ़ जाता है। हाँ, एकदम चिल्ड हवा आता है। देखिए और इसका प्रेशर कितना होना चाहिए, इसका
कई वैक्यूम का जो जो आप वैक्यूम का नहीं, वैक्यूम अभी जीरो पे था, माइनस पे जब आएगा हाँ तब वैक्यूम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी माइनस के लिए रख देता हूँ। अच्छा, इसको देखिए अभी ये जीरो पे था, अभी माइनस में आ रहा है, मतलब वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये फिट होता है वो छोटे वाले में। देखिए ये अभी जो हो रहा है यहाँ पे लीक चेक हो रहा है, अगर पाइपलाइन में कोई भी इश्यूज है या प्रॉब्लम है तो वहाँ से हवा निकलेगा। तो दादा ये कौन सा वाला वाटर है? ये वाटर शार्प वाटर है ना, जहाँ से जैसे हम लोग गाड़ी का पंचर किट लगाने के टाइम में देखते हैं ना कि अगर कोई लीक है तो वहाँ पे निकल जाता है, तो यहाँ पे वो चेक हो रहा है। दोनों साइड पे होगा, यहाँ पे भी होगा और ये साइड पे भी होगा, जहाँ पे इनलेट से आ रहा है वहाँ पे भी चेक होगा कि सही से हो रहा है कि नहीं, मतलब तो कोई लीक अगर है तो उस यहाँ पे दिखाई देगा। हालांकि दादा ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे लगाया है तो कोई लीक है नहीं, कोई लीक है नहीं है ना दादा? नहीं है कोई लीक, तो ये एकदम सही से काम कर रहा है अभी। और हालांकि हम लोगों का जो वैक्यूम करना था वो भी कंप्लीट हो चुका है। वैक्यूम का मॉडल यही होता है, किसी भी पॉइंट पे ये रहे तो आपको जो मीटर वो दिखाए थे हम, वो मीटर का पूरा माइनस में आना चाहिए, जीरो से नीचे आना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपको इतना टाइम से मैं ऊपर से दिखा रहा था, अभी देखिए यहाँ पे पूरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है और इसका बेंडिंग देखिए कितना अच्छी तरह से हुआ है। ठीक है, ये वाटर पाइप पूरा एकदम नीचे तक लगा दिया गया है और इस साइड से आप देखेंगे तो पूरा आराम से आ चुका है एकदम। देखिए दोस्तों, इंडोर आउटडोर वाला तो आपको दिखा दे चुके हैं और इंडोर का भी एसी इंस्टॉल तो पहले ही हो चुका है, लेकिन अभी जो स्टेबिलाइजर है वो स्टेबिलाइजर इंस्टॉलेशन चल रहा है। अभी एसी को ऑन करने का प्रक्रिया चालू होगा, थोड़ा लगाने के टाइम में जो धूल मिट्टी लगता है दादा लोग उसको पूरा क्लीन कर दे रहे हैं। इन भैया का जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मैं आपको बता दूंगा और मैं ऑलमोस्ट ये ख़त्म होने वाला है तो मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कितना कितना प्राइस होने वाला है, कितना चार्जेस ये लोग ले रहे हैं, क्यों कौन सा चीज़ का क्या चार्जेस है, मैं आपको एक वन बाई वन मैं आपको सब कुछ बता के दूंगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं स्टेबिलाइजर में लाइन आ चुका है, ठीक है, और अभी मैं पहली बार ये वाला एसी ऑन करने जा रहा हूँ, तो मशीन अभी ऑन कर दिया हूँ मैंने। आप देख पा रहे हैं मैं इतना दूर पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, कोई भी अगर पेपर या कपड़ा से मैं दिखाऊँ, ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये पूरा हिल रहा है, हाँ देखिए कितना जोर का हवा आ रहा है, ठीक है, पूरा फड़फड़ा रहा है सब चीज़। अगर मैं ये वाला पेपर भी सामने से पकड़ूँ तो ये खड़ा नहीं रह पा रहा है, बहुत जोर का हवा चल रहा है, आवाज़ आप लोगों को शायद आ रहा होगा, देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए दादा लोग एकदम पूरा डाइकिन का बिल बना के दे रहे हैं, तो ये बिल देने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा जो जो चीज़ इन्होंने लगाया है, जैसे बकेट बोलिए, पीछे वाला जो क्लैम्प बोलिए, उसके बाद जो जो भी सामान है उन्होंने लगाया उसका प्राइस मैं बता देता हूँ आपको। तो देखिए जो बिल का मैं बात कर रहा था, दादा ने यहाँ पे बिल बना के दे दिया है। देखिए इंस्टॉलेशन चार्ज पड़ा है 1770 रुपये, बकेट जो है आउट स्टैंड वाला आउटडोर वाला वो 850 रुपये पे है, ठीक है, तो आपका जो ड्रेन पाइप है उसका आपका यहाँ पे 30 रुपये करके 7.5 फुट पड़ा है, 225 रुपये पड़ा है, और केबल वाला जो है आपका जो 3 कोर वाला केबल है वो 15 फुट लगा है, जो वाइट वाला केबल मैंने आप लोगों को दिखाया था वो 33 रुपये फिट लिया है, तो 495 रुपीस पड़ा है, और रैपिंग टेप जो मैंने आप लोगों को बोला था कि डबल रैप करने के लिए वो 250 रुपये करके दो बार हुआ है तो 500 रुपये टोटल में पड़ा है, 3840 रुपया। और दादा ने जो आपका स्टेबिलाइजर इंस्टॉल हुआ है उसके लिए दादा आपने कितना चाहा है? 200 रुपया करके लेता। अच्छा 200 रुपये, तो कुल मिला के लगभग आपका पड़ गया टोटल 4000 रुपया। और दादा आपका नाम एक बार बता दीजिए। मेरा नाम आबू जहार है। और आप कहाँ पे रहते हैं? हम
पोलवा के पास सुदर्शन में रहता है। अच्छा, और आपका थोड़ा नंबर बता दीजिए तो अगर नंबर में यहाँ पे डाल दूँ। मेरा नंबर है 8240-6390-11। ठीक है, किसी का भी ज़रूरत पड़े जो हुगली के आसपास रहते हैं एसी इंस्टॉलेशन के लिए, सर्विस के लिए, दादा के पास एकदम कॉल कर लीजिएगा। बहुत अच्छा काम करते हैं, आप लोगों को पूरा सामने में है पर जैसे काम किया इन लोगों ने। ठीक है, और कुछ भी ज़रूरत पड़े इनको डायरेक्टली कॉल कर लीजिएगा। और ये डाइकिन का एकदम डायरेक्ट सर्विस करवाते हैं, बिल भी जो देते हैं मैंने आपको दिखा भी लिए, डायरेक्ट डाइकिन का ही बिल देते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर दादा ने और एक इन्फॉर्मेशन दिया है, कुछ भी ज़रूरत पड़े तो ये रेफ्रिजरेशन का भी काम करते हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं।